स्टैंडर्ड 7 की आईसीएसई की साइंस की लेसन नंबर 6 साउंड पार्ट 1। साउंड देखते हैं। इन अवर डेली लाइफ वी हियर द डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड लाइक अ रिंगिंग ऑफ अ स्कूल बेल, द साउंड फ्रॉम द क्लॉक, द हॉकिंग ऑफ द व्हीकल्स, द साउंड ऑफ प्लेइंग गिटार और द तबला एक्सेट्रा। एंड वी ऑल्सो हियर द डिफरेंट वॉइस ऑफ अ डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस बाई द डिफरेंट एनिमल सच एज बार्किंग डॉग्स, रोर ऑफ अ लायन एक्सेट्रा। हम लोग हमारी ज़िंदगी में अलग अलग टाइप के साउंड सुनते हैं, जैसे कि स्कूल की बेल रिंग का, क्लॉक का, व्हीकल के हॉन्ग करने का, गिटार का, तबला का। इवन पर्सन टू पर्सन आवाज़ भी डिफरेंट होती है, ठीक है। इवन जो डॉग होते हैं वो बार्क करते हैं और लायन जो है वो रोर करते हैं, वैसे करके अलग अलग टाइप के इंसान, अलग अलग टाइप के एनिमल अलग अलग आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। जो साउंड है वो एक फॉर्म की एनर्जी है, वो कानों में सेंसेशन क्रिएट करती है। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन। देखेंगे कि साउंड के प्रोड्यूस होने का सबसे बड़ा रीज़न है वाइब्रेशन। वी हैव रीड दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन बॉडी फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन इज कॉल्ड ऑस्कुलेटरी मोशन। हम लोग को पता है जब भी बॉडी के अंदर आगे पीछे जो भी मूवमेंट होता है अपनी रेस्ट पोजिशन, मतलब जहाँ पे है वहीं पे रह के आगे पीछे होकर जो भी मोशन करता है उसको ऑस्कुलेटरी मोशन देखते हैं। सपोज टू बी मोशन ऑफ अ स्विंग, आप जब स्विंग कर रहे हो, झूला झूल रहे हो, तो झूला बंधा है एक ही जगह पे, सिर्फ वो आगे पीछे हो रहा है। सेम फॉर द मोशन ऑफ द पेंडुलम, जो वॉच क्लॉक पुरानी क्लॉक के नीचे होता है, आगे पीछे होता रहता है, तो उसको ऑस्कुलेटरी मोशन बोलते हैं। इन दिस मोशंस द बॉडी फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशंस मूव टू द वन साइड्स एंड कम बैक टू द रेस्ट पोजीशंस एंड देन मूव टू द अदर साइड्स एंड अगेन कम बैक टू द रेस्ट पोजीशंस। इन टाइप के जो मोशंस है ऑस्कुलेटरी मोशंस में, वहाँ पे बॉडी एक ही जगह पे रहती है लेकिन एक साइड पे मूव होती है, फिर वापस से रेस्ट पोजीशन पे आती है, रेस्ट पोजीशन से वापस से दूसरी साइड जाती है और फिर वापस से दूसरी साइड से वापस से अपनी रेस्ट पोजीशन पर आती है। ये रिपीटेडली होता रहता है। सो जो ऑस्कुलेटरी मोशन है इसे जनरली हम लोग रिपीटेटिव या फिर रेगुलर इंटरवल टाइम पे होने वाला मोशन भी कहेंगे। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्विकली। ऑस्कुलेटरी मोशन इन विच द बॉडी अज्यूम अ न्यू शेप ड्यूरिंग इट्स मोशन इट्स कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। ऑस्कुलेटरी मोशन के ड्यूरेशंस में एक बॉडी का एक नया शेप कन्फर्म हो जाता है, एक नए शेप में मोशन आ जाता है, सो उसको वाइब्रेटरी मोशंस बोलते हैं। वाइब्रेटरी मोशंस ये पार्ट है, अ पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑस्कुलेट कीपिंग इट्स अदर पार्ट फिक्स। ऑस्कुलेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशंस में एक जो पार्ट होता है वो फिक्स होता है लेकिन सिर्फ दूसरा हिस्सा होता है वो मूव करता है और दूसरा वाइब्रेशन की वजह से पूरी बॉडी वाइब्रेशन फील करती है। साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन द बॉडी वाइब्रेट्स और जो साउंड है वो इसी फेनोमेना पे प्रोड्यूस होता है। जब बॉडी वाइब्रेट होती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो ईच सोर्स ऑफ साउंड इज वाइब्रेटिंग बॉडी, जहाँ जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेटिंग बॉडी ही बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन यू ब्लो व्हिसल, जब आप व्हिसल बजाते हो, सीटी मारते हो, तो होता क्या है, वाइब्रेशन जो होते हैं एयर पार्टिकल्स के, वो वाइब्रेशन होने की वजह से, एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट होने की वजह से साउंड निकलती है। व्हेन वी स्पीक, जो हमारी वोकल कॉर्ड है लैरिंक्स के पास, गले के नीचे जो लैरिंक्स बॉक्स है, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, उसकी वाइब्रेशन की वजह से हम लोग सुन पाते हैं कि सामने वाला बोल रहा है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे हाथ रख के देख सकते हो अपने गले के पास, आपको वाइब्रेशन फील हो रहा होगा और जब जब वाइब्रेशन फील होता है सो यू कैन एबल टू हियर द साउंड और साउंड इस हिसाब से प्रोड्यूस होता है। When the bell instructs its vibrates producing sound, bell के अंदर भी same होता है, वो vibrate होता है, उसी हिसाब से sound produce होता है। From the above discussion we conclude that sound is produced by the vibration in the body। इसका मतलब ये हो गया, दो चीज़ें इससे derive होती है इतने सारे examples से, कि जो sound है वो vibration की वजह से produce होता है। When the body stops vibrating the sound produced by it also cease, जब body stop हो जाती है vibration होना, आवाज़ निकलना भी बंद हो जाता है क्योंकि ये हमारे कानों तक पहुँच ही नहीं पाता है। The production of the sound by the vibrating body can be demonstrated by the following activity। इसके बारे में और डिटेल में activity में देखते हैं। Activity 1 देखेंगे, आपको एक ruler लेना है and put in one end of the table with the left hand as shown in the figure 6.1। आपको उसको left hand से पकड़ना है और table पे ऐसे रखना है आपको जैसे picture में दिख रहा होगा। Right hand से आपको ऊपर से जोर से झक मारना है या फिर मारना है scale को और फिर छोड़ देना है। You will notice that ruler vibrate होने लगेगी, टू एंड फ्रो मूवमेंट करने लगेगी और एकदम ट्र वैसे करके आपको हमिंग साउंड सुनने को मिलेगा। आफ्टर सम टाइम द रूलर स्टॉप वाइब्रेटिंग, थोड़ी टाइम के बाद जो रूलर है वो वाइब्रेट करनी स्टॉप हो जाएगी और साउंड नहीं सुनाई देगा। इसका मतलब ये होगा जो हमिंग साउंड प्रोड्यूस हुआ है वो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। एक्टिविटी 2 देखेंगे, रबर का बैंड आपको एक मुँह में, एक हिस्सा मुँह में पकड़ना है और दूसरा आपको हाथों में पकड़ना है। दूसरा जो हाथ बचा लेफ्ट हैंड से आपको उसको ऐसे हिलाना है उसको, और जो वाइब्रेशन का मोमेंट कुछ होगा, प्लग करना है स्ट्रिंग को मिडल में से।
अ लिटिल वन साइड विद द हेल्प ऑफ अ फिंगर ऑफ द अदर एंड लीव इट. दूसरे हाथ से आपको उसको एज ए टच करना है फिंगर्स से और छोड़ देना है. यू विल नोटिस दैट द स्ट्रिंग स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और जो स्ट्रिंग्स होगी वो वाइब्रेट होनी स्टार्ट होगी और आपको एकदम फेबल साउंड थोड़ा सा टर वैसे करके साउंड थोड़ा सा सुनाई देगा. आफ्टर सम टाइम व्हेन द स्ट्रिंग्स स्टॉप वाइब्रेटिंग नो साउंड इज हर्ड. जब स्ट्रिंग जो है वाइब्रेट होनी बंद हो जाएगी तो कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा. दिस शोज दैट वाइब्रेशन इन द रबर स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस साउंड. इसका मतलब ये हो गया जो वाइब्रेशन होगा रबर में वाइब्रेशन की वजह से ही आपको साउंड सुनाई देगा. एक्टिविटी 3 देखेंगे. टेक अ ड्रम एंड बीट इट एंड शोन एन 6.3. आपको ड्रम लेना है और 6.3 एक्टिविटी में जिस हिसाब से बोला हुआ है उस हिसाब से बजाना है. क्या आपको आवाज़ सुनाई देगी? यस. इफ़ यू टच द मेम्ब्रेन ऑफ द ड्रम, जब आप बजा रहे हो तो आपको मेम्ब्रेन को टच करना है, तब आपको वाइब्रेशन फील होगी. व्हेन द मेम्ब्रेन स्टॉप वाइब्रेटिंग देन नो साउंड इज हियर. जब वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगा तो कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा. दिस शोज दैट वाइब्रेशन दम प्रोड्यूस साउंड. सो इस हिसाब से पता पड़ेगा जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट होगा और तभी साउंड प्रोड्यूस होगा. नोट, इफ़ यू पुट सम ग्रेन्स ऑफ अ ड्राई आइस ऑन द ड्रम्स यू विल सी दैट व्हेन द मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स द राइस ग्रेन अपीयर डांसिंग अप डाउन ऑन इट्स सर्फेस. अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जब ड्रम बजा रहे होते हो तब जाके आपको ग्रेन के दाने या फिर किसी चीज़ के दाने रख देने हैं, तो जो ग्रेन के दाने हैं वो ऊपर नीचे हो गए, उससे भी आप वाइब्रेशन पता कर पाओगे. एक्टिविटी 4 देखेंगे. प्लग अ स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार और द सितार. यू विल नोटिस दैट द स्ट्रिंग्स मूव टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन एट 6.4 में कुछ इस हिसाब से गिटार और सितार की एक स्ट्रिंग बताई हुई है. द मोशन ऑफ द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटरी मोशन. और जो स्ट्रिंग्स का जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेटरी मोशन है. एज अ स्ट्रिंग वाइब्रेट, जैसे स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी साउंड इज हर्ड, साउंड सुनाई देगा. एज सुन एज द वाइब्रेशन स्टॉप नो साउंड इज हर्ड. वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगा तो कोई साउंड आपको सुनने को नहीं मिलेगा. सोर्स ऑफ साउंड देखेंगे. साउंड कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होता है उसके बारे में देखेंगे. पहले तो टर्निंग फोक. टर्निंग फोक क्या होती है? वो नीचे शेप में दी हुई है, ऐसे यू शेप की मेटलिक पीस होती है और नीचे डंडी होती है, हैंडल्स ऐसे पकड़ते हैं. इट्स आर्म आर नोन एज अ प्रोंग, और ऊपर के जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं उसको प्रोंग बोलते हैं. दे आर सेट इन टू द वाइब्रेशन वेन द आइडर ऑफ द टू प्रोंग्स इट्स स्ट्रक जेंटली ऑन द रबर पैड एंड द साउंड इज प्रोड्यूस. जब आपको जेंटली उनको वाइब्रेशन में लाने के लिए दो रबर को उसके ऊपर ऐसे स्ट्रक करना पड़ेगा, थोकना पड़ेगा, और तब जाके वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा और साउंड प्रोड्यूस होगा. एक्टिविटी 5 देखते हैं. टर्निंग फोक एंड द स्ट्राइक इट्स अगेंस्ट द रबर पैड. रबर पैड के आजू बाजू आपको उसको थोकना है. यू विल हियर द फेबल साउंड. आपको फेबल साउंड थोड़ा सा साउंड सुनने को मिलेगा. नाउ ब्रिंग द टर्निंग फोक नियर द टेबल टेनिस बॉल सस्पेंडेड बाय द थ्रेड. टेबल टेनिस बॉल को आपको धागे से बांध देना है और फिर यू विल नोटिस दैट बॉल जंप टू एंड फ्रॉम टचिंग द प्रोंग्स. और उसको टच करने के बाद जो बॉल होगा वो आगे पीछे मूव करेगा और वाइब्रेशन शो करेगा. दिस शोज दैट prongs of the turning forks are vibrating. इसका मतलब ये होगा जो turning fork है वो vibrate होगा और vibrate हो जाने की वजह से sound सुनाई देगा. when prongs stop vibrating, जब वो जो prong है वो vibrate होना stop हो जाएगा तो oscillations जो ball का है वो भी stop हो जाएगा और sound नहीं सुनाई देगा. in short, अगर vibrate हो रहा है तो sound सुनाई देगा, अगर वाइब्रेट नहीं हो रहा है तो सॉन्ग नहीं सुनाई देगा. मतलब जो भी वाइब्रेशन है साउंड है वो नहीं सुनाई देगा. दिस शोज दैट वाइब्रेशन ऑफ द प्रोंग ऑफ अ टर्निंग फोक प्रोड्यूस साउंड. इसका मतलब ये हो गया कि वाइब्रेशन जब होगा टर्निंग फोक के अंदर तो वो साउंड क्रिएट करेगा. नेक्स्ट देखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ऑल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू वाइब्रेशन. सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि विसल है, फ्लूट है और क्लैरनेट है, नीचे सारे एग्जाम्पल बताया हुआ है. इसके अंदर पाइप शेप में होता है और जब साउंड प्रोड्यूस होता है जो एयर होती है, व्हेन एयर इज़ ब्लोन इनटू इट, जब हम लोग एयर डाल के उसको बजाने की ट्राई करते हैं तो उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होता है. दस द कॉलम ऑफ द एयर इनसाइड देम वाइब्रेटिंग प्रोड्यूसिंग साउंड. उसके अंदर जो एयर की कॉलम होती है उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होता है और साउंड इस हिसाब से क्रिएट होता है. द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हारमोनियम और माफ्ट ऑर्गन नीचे बताया हुआ है. इसके अंदर मेटलिक रीड होती है, एक पट्टी होती है मेटल की, एंड उसके अंदर वाइब्रेशन होने की वजह से जब हम उसको बजाते हैं तो एयर जो होती है वो ब्लो होती है, उसमें से एयर निकलती है, सो उसकी वजह से हम लोग साउंड सुन पाते हैं. स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे. नीचे कुछ एग्जांपल दिखाया हुआ है, वायलिन, पियानो एंड गिटार है, ठीक है. इसके अंदर स्ट्रिंग स्ट्रेच जो होती है एकदम खींच के बांधी होती है और जब हम लोग उसको प्लग कर रहे होते हैं, मतलब ऐसे उसके तार छड़ रहे होते हैं, तो पियानो के अंदर जो स्ट्रिंग्स होती है वो स्ट्रक होती है. एंड जो वायलिन के अंदर हम लोग जब ब्लो डाउन करते हैं उसको स्ट्रिंग्स से, तो स्ट्रिंग्स वाइब्रेट होनी स्टार्ट हो जाती है एंड फिर साउंड प्रोड्यूस होता है. इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर ड्रम, डबला और ढोलक सब एक ही टाइप के होते हैं, आपको नीचे पिक्चर में दिख रहे होंगे. इसके ऊपर पूरा लेदर का मेम्ब्रेन होता है. द लेदर मेम्ब्रेन इज मेड टू वाइब्रेट बाई स्ट्राइकिंग इट विद द स्टिक
और विद द हैंड सो एज टू प्रोड्यूस द साउंड. उसके ऊपर पूरा मेम्ब्रेन होता है लेदर का, जब हम लोग उसको हाथ से स्ट्रक करते हैं, बजाते हैं, तो वाइब्रेशन, वो जो लेयर होता है लेदर का, मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. ह्यूमन बींग में किस हिसाब से साउंड निकलता है, हम लोग बोल पाते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं. वी ह्यूमन बींग प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन आवर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट ऑन ब्लोइंग एयर थ्रू देम बाय आवर लंग्स. हमारे ह्यूमन बींग में साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब हमारी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होती है. वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कब होती है, जब लंग्स ऊपर की डायरेक्शन में हवा को बाहर फेंके. अवर थ्रॉट हैव अ लारिंक्स, हम लोग को पता है हमारे थ्रॉट के अंदर लारिंक्स है, वॉइस बॉक्स है. जो वॉइस है वो लारिंक्स के अंदर प्रोड्यूस होता है. लारिंक्स को हम लोग जनरली वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. उसकी डिज़ाइन ही इस हिसाब से की जाती है ताकि उसके अंदर वॉइस प्रोड्यूस हो. ऑलरेडी जिसने बनाया हुआ है उसने एक्चुअली डिज़ाइन ही इस हिसाब से किया हुआ है ताकि वॉइस प्रोड्यूस हो. इट इज़ अ बॉक्स लाइक अ स्ट्रक्चर विद द वॉल ऑफ अ टफ टिश्यूज. बॉक्स जैसे सब्सटेंस है, ऐसा स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर जो टिश्यूज है उनके वॉल के ऊपर एकदम टाइटली टफ टिश्यूज है. इनसाइड द टू फोल्ड ऑफ अ टिश्यू, और ये दो टिश्यूज के बीच में थोड़ा सा गैप है, और उसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं. व्हेन वी ब्रीथ, जब हम लोग सांस लेते हैं तो वोकल कॉर्ड बिकम लूज, वोकल कॉर्ड है वो छूट जाता है, ढीला हो जाता है, एंड गैप बिटवीन देम इंक्रीज, और जो उनका गैप होता है वो बढ़ जाता है. जब हम लोग बात करते हैं, शाउट करते हैं या सिंग करते हैं, जो कॉर्ड होता है वो टाइट हो जाता है, एंड दे वाइब्रेट, और वो वाइब्रेट होने लगता है, एंड इसकी वजह से साउंड निकलता है. शोज दैट पार्ट ऑफ द बॉडी विच वाइब्रेट प्रोड्यूस साउंड, और नीचे पिक्चर में दिखाया हुआ है कहाँ से साउंड निकलता है, कौन सा पार्ट वाइब्रेट होता है वो. वी कैन फील वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड व्हेन रिसाइटिंग और स्पीकिंग. जो हम लोग बोल रहे होते हैं तो आपको गले पे हाथ लगाना है, आप जब रिसाइटिंग या फिर लर्न कर रहे होते हो या फिर कुछ चीज़ें बोल रहे होते हो तो आपको वाइब्रेशन फील होगा. थ्रॉट के अंदर फिंगर रख के आप देख सकते हो. सो दिस वे साउंड कैन बी प्रोड्यूस. नोट देखते हैं, सम एनिमल है जैसे कि बर्ड है, फ्रॉग है, ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड. बर्ड्स और फ्रॉग भी वाइब्रेशन, वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होने की वजह से साउंड क्रिएट करते हैं. आपको पता ही है बर्ड किस हिसाब से ची ची करते हैं, फ्रॉग जाओ जाओ करते हैं. बट बीज डू नॉट हैव अ वॉइस बॉक्सेस, बी के पास वॉइस बॉक्सेस नहीं होती है. दे मेक साउंड बाई वाइब्रेटिंग द विंग्स अप एंड डाउन वेरी फास्ट. बीज जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है अपने विंग्स को ऊपर नीचे डायरेक्शन में वाइब्रेशन करके उड़ने के टाइम पे. साउंड नीड अ मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन. नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल होने के लिए. अगर वैक्यूम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं होगा. सीधी सी बात करते हैं, मून के ऊपर वैक्यूम है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तब कितना भी चीख लो बाजू में खड़ा होगा इंसान वो सुन ही नहीं पाएगा व्हाट यू ट्राइंग टू से, भले आप उसके कान में भी चीख रहे हो. इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो साउंड है उसको ट्रैवल होने के लिए मीडियम चाहिए. इट मे बी अ सॉलिड, लिक्विड, और मे बी अ गैस. बात करते हैं उसके बारे में. साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम, जहाँ पे हवा, वैक्यूम का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे हवा नहीं है वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता. साउंड रिक्वायर अ मीडियम फॉर द प्रोपोगेशंस. साउंड को टेक आउट करने के लिए, साउंड का कंसेप्ट वर्क करने के लिए मीडियम चाहिए, बहुत ज़रूरी है फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. क्योंकि जो साउंड होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है, जाता है, ट्रैवल करता है. फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट से ये हम लोग और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे. टेक एन इलेक्ट्रिकल बैल एंड द एयरटाइट ग्लास जार कनेक्टिंग टू द वैक्यूम पंप. आपको एक जार लेना है, उसके अंदर वैक्यूम कर देना है, पंप से पूरी हेयर खींच लेनी है और उसके अंदर आपको ये बेल डाल देनी है, ठीक है. एंड फिर आपको सेटअप करना है 6.12 के अंदर जिस हिसाब से किया हुआ है उस हिसाब से. कनेक्ट द बेल टू द बैटरी, दो द स्विचेस, आपको उसको इलेक्ट्रिकल बैटरीज के साथ कनेक्ट कर देना है और उसके अंदर आपको स्विच डाल दिया. ऑन प्रेसिंग द स्विच द बेल स्टार्ट रिंगिंग एंड साउंड इज हर्ड. जब आप बेल स्टार्ट करोगे, यू नो, ऐसे बजाना चालू करोगे, स्विच ऑन करोगे, तो बेल रिंग होना स्टार्ट होगा. द साउंड रीचेस थ्रू द एयर इन द जार, जो साउंड होगा वो अंदर एयर होगी, उसकी वजह से हम लोग को सुनाई देगा. लेकिन जब हम लोग वैक्यूम करेंगे तो हम लोग को वो सेम चीज़ नहीं सुनाई देगी, वो देखेंगे. नाउ स्टार्ट द वैक्यूम पंप, इट्स विदड्रॉ द एयर फ्रॉम द जार. जो वैक्यूम पंप आप जब चालू करोगे तो जार के अंदर की जो भी हवा होगी वो बाहर आ जाएगी. यू विल नोटिस दैट एयर फ्रॉम द जार इज इवैक्यूएटेड, जार में से एयर को निकाल दिया गया है. द साउंड बिकम फीबल एंड फीबल, साउंड बहुत ही स्लो, बहुत ही स्लो, बहुत ही स्लो होता जाएगा, सुनाई नहीं देगा एक टाइम के बाद. After sometimes when the no air is left within the jar, no sound is heard. थोड़ा भी साउंड आपको सुनने को नहीं मिलेगा. However, the hammer of the electrical bell can be still be striking on the gong. लेकिन जो electrical जो bell है उसका जो gong होगा वो बजता रहेगा, आप देख पाओगे बज रहा है लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा. And the reason is that when no air is left in the jar, sound does not propagate to reach us, although the bell is still ringing. Bell ring भी होगा लेकिन अगर सरफेस ही नहीं होगा, मीडियम ही नहीं होगा, तो वो हमारे कानों तक पहुंचेगा ही नहीं. दस ट्रैवल कैन नॉट, जो साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम. सो इस हिसाब से जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा वैक्यूम के अंदर.
डू यू नो, देखते हैं अभी हम लोगों ने देखा ऑन मून एंड इन स्पेस एटमोसफियर नहीं है, सो टू पर्सन कैन नॉट टॉक ईच अदर इन द स्पेस. सो दो पर्सन स्पेस में या फिर मून पे बात नहीं कर सकते. द नीड ऑफ द मीडियम ऑफ अ प्रोपोगेशन ऑफ अ साउंड कैन बी डेमोन्स्ट्रेट बाई द फॉलोइंग एक्टिविटी. एक और एक्टिविटी देखते हैं कि उसे साउंड चाहिए ही चाहिए. टेक अ टम्बलर, प्लेस अ मोबाइल फोन ए इनटू इट. आपको एक टम्बलर लेना है, प्लास्टिक का टम्बलर लेना है और आपको मोबाइल ए इसके अंदर डाल देना है. नाउ रिंग द मोबाइल फोन ए फ्रॉम द अनदर ऑफ मोबाइल फोन बी आउटसाइड द टम्बलर एज शोन 6.13 में आपको पिक्चर बताया हुआ है कि दूसरे एक मोबाइल को आपको दूसरे मोबाइल से आपको रिंग करना है. ठीक है, आप जब सुनोगे तो क्या होगा पता है कि आपको रिंग सुनाई देगा उसका. ठीक है, मतलब बाहर से आप सुन पाओगे क्योंकि एयर होगी टम्बलर के अंदर तो वो आपके कानों तक प्रोपोगेट करके पहुंच जाएगा. नाउ कवर द माउथ ऑफ द टम्बलर विद द कार्डबोर्ड लीड्स हैविंग अ स्मॉल होल. एक आपको एक छोटा सा होल लगा देना है और उसको ढक्कन से बंद कर देना है या फिर आपको कार्डबोर्ड से बंद कर देना है और एक छोटा सा होल करके आपको अंदर से सेलो टेप लगा देनी है विद द हेल्प ऑफ अ सेलो टेप सो दैट इट बिकम एयर टाइट और ऊपर से आपको बंद कर देनी है ताकि वो एयर टाइट हो जाए. फिर आपको क्या करनी है, एक स्ट्रॉ पास करनी है वो होल में से इन द लीड एंड सक द एयर ऑफ द टम्बलर और आपको सक कर देनी है पूरी जो एयर है अंदर आपको बाहर निकाल देनी है. 6.13 में दिख रहा है. अगेन रिंग द मोबाइल ए फ्रॉम बी, बी मोबाइल में से ए मोबाइल पर रिंग कीजिए. यू विल फाइंड दैट द साउंड ऑफ द रिंग ग्रेजुअली डिक्रीज, धीरे 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 आवाज़ कम होती जाएगी. विड्रॉ फ्रॉम द टम्बलर अल्टीमेटली व्हेन ऑलमोस्ट एयर ऑफ द टम्बलर हैज सकन, सब पूरा जो हवा अंदर का निकल जाएगा तो साउंड सुनाई नहीं देगा. दिस शोज दैट प्रेजेंस ऑफ द मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. इसका मतलब ये हो गया कि साउंड के कंसेप्ट को वर्क करने के लिए मीडियम बहुत जरूरी है, एयर बहुत जरूरी है. साउंड कैन ट्रेवल इन ऑल मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस. दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई द फॉलोइंग एक्टिविटी. साउंड हर मीडियम में ट्रैवल करता है, जैसे कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस है, एक्टिविटी से समझने की कोशिश करता है. टू शो दैट साउंड ट्रैवल इन द सॉलिड, प्लेस अ क्लॉक ऑन द टेबल एंड एंड ब्रिंग योर ईयर टू वन एंड. आपको टेबल के ऊपर रखनी है क्लॉक और आपको एंड टेबल के एंड पे जाके से कान लगाना है. स्लोली मूव क्लॉक अवे फ्रॉम योर सेल्फ, धीरे 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 करके आप क्लॉक को दूर करिए. टिल यू स्टॉप हियरिंग द साउंड ऑफ अ क्लॉक, जब तक आपको क्लॉक का आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाए. नाउ प्लेस द वन एंड ऑफ द रूलर और द मेटल रॉड बिलो द क्लॉक एंड द अदर एंड वेरी क्लोज टू योर ईयर एज शोन 6.14. और आपको एक रूलर रख देनी है, ठीक है, और उसके ऊपर क्लॉक को रख देनी है. आप क्या देखोगे वो देखेंगे. यू विल एबल टू हियर द साउंड्स ऑफ अ क्लॉक और आपको रूलर से वो साउंड सुनाई देना शुरू होगा. दैट मीन्स सॉलिड में से साउंड प्रोपोगेट करेगा, निकलेगा. टू शोज दैट द साउंड ट्रैवल इन सॉलिड एक्टिविटी ए देखेंगे. टेक टू एम्प्टी आइसक्रीम कप, आपको खाली आइसक्रीम के कप लेना है. मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ ईच कप, नीचे कप के नीचे आपको एक होल कर देना है. एंड पास लॉन्ग थ्रेड, 20 मीटर की जो लॉन्ग थ्रेड आती है वो डाल देनी है आपको उसके नीचे से. टाई द नॉट ऑफ द मैच द स्टिक एट द एंड ऑफ द थ्रेड सो दैट थ्रेड डज नॉट स्लिप आउट थ्रू द होल्स. बांध देनी है उसको ढंग से ताकि वो होल में से निकल नहीं जाए वो जो थ्रेड आपने डाला है. दिस मेक द टॉय टेलीफोन, कुछ इस हिसाब से टॉय टेलीफोन आप सब लोगों ने खिला ही होगा. यूज़ द टॉय टेलीफोन एज शोन इन देन टॉक टू योर फ्रेंड. उसके बीच का जो थ्रेड है वो एकदम टाइटन होना चाहिए. जब आप एक एंड से आपका फ्रेंड बोलेगा तो दूसरे एंड से आप सुन पाओगे कि आपका फ्रेंड क्या बोल रहा है. इसका मतलब ये हो गया कि जो एक थ्रेड है वो सॉलिड की तरह वर्क करेगा और जो साउंड है वो सॉलिड के अंदर से ट्रांसफर होकर आपको सुनाई देगा. सो आपका फ्रेंड क्या बोल रहा है वो आपको पता पड़ जाएगा. सो दैट मीन्स जो साउंड है वो सॉलिड में से भी ट्रैवल करेगा. एक्टिविटी 9 देखेंगे. टू शो दैट द साउंड ट्रैवल इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर साउंड कैसे ट्रैवल करता है उसके बारे में बात करते हैं. फिल द बलून विद द वाटर एज शोन इन 6.16. आपको एक बलून लेना है, पानी से उसको भर देना है. 6.16 में दिखाया उस हिसाब से. होल्ड इट नियर योर ईयर, आपको आपके कान के पास लेके जाना है. और फिर नाउ कीप अ वॉच जेंटली टू द अदर साइड ऑफ अ बलून, दूसरी साइड पे आपको बलून रख देना है. यू विल हियर द टिकलिंग साउंड ऑफ अ वॉक, टिक 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 टिक, आपको ऐसा करके आवाज़ आएगा. दिस शोज दैट साउंड कैन ट्रैवल टू द लिक्विड, इसका मतलब ये हो गया जो साउंड है लिक्विड में से भी ट्रैवल करता है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. टू शो दैट द साउंड ट्रैवल इन द एयर, आस्क योर फ्रेंड टू रिंग अ बेल. यू विल बी नोटिस दैट द साउंड ऑफ द बेल कैन बी हर्ड फ्रॉम एनी प्लेस नियर द बेल एंड दिस शोज दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द एयर गैस. आपके फ्रेंड को बोलना है बाहर से, घर के बाहर से, कि आप प्लीज़ बेल रिंग कीजिए. आप कहीं पे भी होंगे पूरे घर में आपको बेल सुनाई देगी, जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी जो आवाज़ होगी वो एयर में से पास ऑन होगी, आपके कान तक पहुँचेगी. इसका मतलब ये हो गया कि जो साउंड है वो एयर में भी ट्रैवल करता है. आगे की पढ़ाई पार्ट 2 में करेंगे. थैंक यू सो मच.
अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।